पाकिस्तान में महंगाई से त्राहिमाम कर रही है जनता, सब्जियों में आग लगी हुई है वहां पर। इमरान के मुल्क में अदरक की कीमत 1000 रुपए किलो, जो मैं अभी आपको बता रहा था, 1 किलो अदरक की कीमत 1000 रुपए है वहां पर। सब्जियों की, दूसरी सब्जियों की कीमतें भी बेकाबू हो गई हैं। जल्दी से ग्राफिक्स लाते हैं, दिखाते हैं आपको, आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई से कैसे हाहाकार मचा हुआ है और वहां क्या हाल है कीमतों का, महंगाई से कैसे बिलबिला रही है पाकिस्तानी आवाम, ये समझिए आप। अदरक 1000 रुपए किलो, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, गाजर 60 रुपए किलो, ये सारी सब्जियां जो आम आदमी के थाली का हिस्सा होती हैं, वो कैसे आग लगी हुई उनमें। चीनी देखिए 100 रुपए से ऊपर बिक रही है, गेहूं देखिए 60 रुपए से ऊपर बिक रहा है। जावेद गफारी, सही लगता है ये रेट, सही है ये? 81 रुपए किलो, 81 रुपए किलो चीनी सुबह लिए मैंने, आपने बात की अदरक की, 350 रुपए किलो ज्यादा से ज्यादा जो गई है इस पूरे साल के अंदर। इस वक्त उसकी कीमत 250 से 300 के दरमियान है। तीसरी बात, आपने गाजर और पता नहीं किस किस के रेट बताए, आपने पता भी कर लिया रेट 350 रुपए, मैं आपको भेज दूंगा वहां के रेट, जो आप जो इसमें रेट चल रहे हैं भारत में, आपको मालूम है अदरक और चीनी का रेट क्या है, 30 रुपए किलो चीनी बिक रही है यहाँ पर, 30 रुपए किलो चीनी बिक रही है यहाँ पर। हम चिप्स नहीं पीते, हम चाय नहीं करते, हम चर्स नहीं पीते, और उसकी चीजें पूछेंगे तो शायद मुझे रेट का नहीं पता होगा। ये सारी मामूल की चीजें हैं, ये तो हम खाते पीते रहते हैं भाई, इन तमाम चीजों का हमें पता है। आप खाते पीते रहते हैं, आवाम जो वहाँ पर नहीं खा पा रही है आटा दाल चावल सब्जी, उसकी फिक्र नहीं है आप लोगों को? चल रहा है, हर घर में पड़ी है, हर घर में पड़ी है, मेरे घर में भी पूरी बोरी पड़ी होगी चावलों की, भगवान करे ऐसी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। अभी मेरे दोस्त ने इल्जाम लगाया कि हिंदू कुश एक्टिविटीज चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप हमें याद ना करवाएं कि वहां पे मुसलमानों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, सिखों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और याद दिलाना चाहता हूं, आप कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है। यू स्टॉप नाउ, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।